बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं और नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और उन दोस्तों का शुक्रिया जो मेरी वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट्स करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है हमारी वो फ्री वेबसाइट से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में जो हमने snapper.com पर हमने चैनल आर्ट बनाना सीखा था, आज हम जो है यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखेंगे। आपने गूगल ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है स्नापा, तो आपके सामने जो सबसे ऊपर पहली वेबसाइट होगी वो snapper.com होगी। इसमें देखें यूट्यूब चैनल आर्ट बैनर, यूट्यूब थंबनेल टेम्पलेट वगैरह जो है इसमें है, जो आप अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम आज जो हम इसमें बनाएंगे वो यूट्यूब थंबनेल बनाएंगे। आप इसको ओपन करेंगे, ये आपने अपनी ईमेल और आईडी से इसमें लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन होने के बाद ये आपके सामने इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल आ जाएगा। आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने इसको ऑलरेडी देख लिया है। और आप इसकी हेल्प टैब से नॉलेज बेस और वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो भी आप देख सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस वेबसाइट को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आज क्योंकि हमने ये इस वीडियो पर यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो ये जो इसमें ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ होते हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए, वो स्टैंडर्ड साइज़ ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं, तो हम उसके मुताबिक जो है, तो हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसके मुताबिक ही इसमें साइज़ बने हुए हैं, आपने सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है। अब देखें YouTube थंबनेल के लिए जो प्रॉपर साइज़ है वो 1280x720 है। जब आप इसको क्लिक करेंगे इसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ किस्म के बेहतरीन किस्म के जो हैं वो YouTube थंबनेल बने हुए हैं। आपने सिर्फ अपने वीडियो से रिलेटेड जो है वो के मुताबिक जो थंबनेल है वो सेलेक्ट करना है और वीडियो को एडिट कर देंगे। अब हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने बहुत से थंबनेल जो हैं वो खुल चुके हैं। इसमें पहली जो है वो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। अगर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आप ये जो फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए हैं इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब ये सबसे पहले जो इसमें प्रेजेंटेशन दी हुई है थंबनेल बना हुआ है वो यूट्यूब स्टूडियो सेटअप से रिलेटेड है। आप इसमें अपना पिक्चर एडिट करके आप जो है इसको अपनी वीडियो के थंबनेल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये अगर कोई 3D हाउस से रिलेटेड वीडियो है तो वो उसके लिए अपने वीडियो के मुताबिक इसका टाइटल चेंज करें और उसको अपनी वीडियो के लिए थंबनेल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ये अगर किसी का पेट से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो है तो उसके लिए आप अपनी वीडियो का टाइटल इसमें एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद आप इसको थंबनेल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप कैमरे से रिलेटेड कोई वीडियो या अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये जो है थंबनेल यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आप डाइट प्लान के से रिलेटेड आपकी कोई रेसिपी है तो आप ये जो है थंबनेल जो है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई पिज़्ज़ा से रिलेटेड कोई रेसिपी है तो उसके लिए ये ऑलरेडी बेहतरीन किस्म का थंबनेल बना हुआ है, आपने सिर्फ अपने थंबनेल को अपनी वीडियो के मुताबिक इसमें एडिट कर लेना है। फिर है ये एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपकी कोई वीडियो है तो आप ये जो थंबनेल है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जो आज अपनी वीडियो बनानी है उसके लिए मैं जो थंबनेल सेलेक्ट करूंगा वो अभी हम उसको देख लेते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो है यूज़फुल फ्री रिसोर्सेज जो हैं कि यूट्यूब के लिए फ्री किस तरह रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करके अपनी वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के इसमें थंबनेल बने हुए हैं जो आपकी वीडियो को, ये मैंने जो है आज अपनी वीडियो के लिए थंबनेल जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद इसको फाइनल करके अपने यूट्यूब वीडियो के लिए लगाएंगे। अब ये थंबनेल जो है वो हमारे सामने खुल गया है। खुलने के बाद इसको हम अपनी वीडियो के टाइटल के मुताबिक इसको एडिट करेंगे। फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले और इसका साइज़ जो है वो फॉन्ट साइज़ छोटा कर देंगे। और छोटा करने के बाद अब हमने इसको अपनी जो वीडियो के मुताबिक है उसको चेंज करना है। फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर, हमने अपनी वीडियो के लिए जो टाइटल रखा हुआ है फॉर यूट्यूबर्स,
तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे यूट्यूबर्स। इसमें हम बना क्या रहे हैं वो हम इसमें टाइटल दे देंगे यूट्यूब थंबनेल, जो के YouTube वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसको देख के लोग वो वीडियो देखते हैं। अब ये ऑन दोनों के दरमियान गैप ज़रा कम है, तो हम ऑनलाइन रिसोर्सेज को ज़रा ऊपर कर लेंगे ताकि ज़रा गैप जो है वो वाजिया हो जाए। अब जो हमने एडिट करना था वो कर लिया। अब हम इसके लिए चारों तरफ जो है वो बॉर्डर लगाएंगे, और बॉर्डर लगाने के लिए आपने शेप्स को क्लिक करना है, और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की शेप्स हैं, आपने उनमें से एक शेप जो मैं लाइन है इसको हम सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर लगाने के लिए। अब इसको उठाकर ऊपर रखेंगे, और इसकी देखें मोटाई इतनी ज़्यादा ये लाइन मोटी नहीं है, तो हम इसकी लाइन को इसको मोटा करने के लिए आप यहाँ से इसकी मोटाई को बढ़ा लेंगे, और इसको बॉर्डर पर सेट कर देंगे, और इसको खींच के कोने तक इस कोने तक ले जाएंगे, और फिर दूसरे कोने पर भी इस बॉर्डर को सेट कर देंगे। अब ऊपर हमने बॉर्डर लगा दिया, इसी तरह आप फिर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये बॉर्डर आ जाएगा। अब इसको आपने उठा के निचली साइड पे जो हमारा पेज है उधर लगाएंगे, और इसकी भी मोटाई आप बढ़ा देंगे 20, और इसको सेट करें प्रॉपर बॉर्डर के ऊपर, और इसको इस कोने से मिला दें, और इसको दूसरे कोने के तक इस बॉर्डर को लगा दें। ये ऊपर और नीचे बॉर्डर लग गया। अब साइडों पे लगाना है दोनों साइडों पे, तो आप फिर हम शेप पे क्लिक करेंगे और इसी लाइन को सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी। अब आपने एरो की मदद से इसको डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेना है, और चेंज करने के बाद इसकी मोटाई आपने 20 कर देनी है, और फिर आप इसको बॉर्डर के ऊपर सेट कर देंगे। सेट करके अब इसको ऊपर मिला देंगे ऊपर वाले बॉर्डर के साथ, और यहाँ से इसको पकड़कर नीचे वाले बॉर्डर के साथ आप मिला देंगे। ठीक हो गया, तीन तरफ बॉर्डर लग गया। आप चौथी तरफ बॉर्डर के लिए फिर शेप को क्लिक करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और फिर ये एरो की मदद से इसकी डायरेक्शन को सही करेंगे, और फिर यहाँ से इसकी मोटाई 20 कर देंगे, तो ये मोटा लाइन मोटी हो जाएगी ताकि वाजिया नज़र आए, और फिर आपने इसको बॉर्डर पे सेट कर देना है। अब आप इसको नीचे मिला देंगे नीचे वाली लाइन से, और यहाँ से पकड़कर ऊपर वाली बॉर्डर वाली जो लाइन है उसके साथ आपने इसको मिला देना है। मिलाने के बाद इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि वो साइड से ग्रीन और ब्लू लाइन नज़र आ रही है, उसको थोड़ा सेटिंग करनी पड़ेगी। ये जो है हमारा जो है YouTube वीडियो के लिए थंबनेल जो है वो रेडी हो गया। अब आप इसको सेव करेंगे, तो आपने सेव के बटन को क्लिक करना है, तो ये सेव हो जाएगी। अब सेव होने के बाद हमने इसको डाउनलोड किस तरह करना है, ये आपके सामने डाउनलोड का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे, और इसमें जो दूसरी ऑप्शन है हाई रेजोल्यूशन PNG, आपने इसको क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आप इसको ओपन कर लें। ये देखें हमारी YouTube वीडियो के लिए एक बेहतरीन किस्म का YouTube थंबनेल तैयार हो गया। फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर यूट्यूबर, और क्या बना रहे थे हम YouTube थंबनेल। आप भी इस वेबसाइट पर अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन होकर बहुत सी फ्री चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और अपने सोशल मीडिया
के लिए आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।